साथियों, कांग्रेस दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का हक छीनने का षड्यंत्र लंबे समय से कर रही है। 19 दिसंबर 2011 को जब उनकी सरकार थी, तब की कांग्रेस की केंद्र सरकार धर्म के नाम पर आरक्षण देने का एक मुसद्दा, एक नोट कैबिनेट में लेकर आई थी। इस कैबिनेट नोट में एक कहा गया था कि ओबीसी समाज को जो 27% आरक्षण मिलता है, मंडल कमीशन के अनुसार जो आरक्षण मिलता है, उस आरक्षण का एक हिस्सा काट करके, 27% में से एक टुकड़ा काट करके मजहब के नाम पर दिया जाएगा। सिर्फ 2 दिन बाद 22 दिसंबर 2011 को इसका आदेश भी निकल दिया गया। बाद में आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार के इस आदेश को रद्द कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट में गए लेकिन राहत नहीं मिली। तब 2014 में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में लिखा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देने के लिए कानून बनाना पड़े तो कानून भी बनाएंगे। तो 2014 में ओबीसी समाज जग गया, दलित समाज जग गया, आदिवासी समाज जग गया और उन्होंने तय किया कि ये लोग तो अगर ये करेंगे तो हमारी तो आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी, हमारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। और उसके बाद इन समाजों ने एक होकर के कांग्रेस के सपनों को मिट्टी में मिला दिया, उनको सत्ता से बाहर कर दिया। फिर भी सुधरने को तैयार नहीं है। अब ये वो अधूरा काम पूरा करने के लिए फिर से नई चाल चलने लगे हैं।